गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में महिमा मैम ने आपको चैप्टर 7 तक जो रीड कराया था, आज हम अब किसी भी रीजन की वजह से महिमा मैम आपकी क्लास नहीं ले पाएंगी, तो मैम मुस्कान आपकी न्यू साइंस टीचर क्लास 6-8। और अभी इस टाइम हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 1 का रिवीजन करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट, चैप्टर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। पादपों में पोषण, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उन्हें पोषण कहाँ से मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, किस तरीके से मिलता है और किस तरीके से उनको एनर्जी मिलती है अपनी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का रिवीजन कराने से पहले चैप्टर की समरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको एक बार बता देती हूँ, अच्छे से आप उनको समझ लेना तो आपको पता चलेगा कि प्लांट्स जो हैं कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। Humans and animals are directly or indirectly depend on plants for food. Humans and animals जो होते हैं वो directly और indirectly तरीके से plants पे dependent होते हैं। Humans यानी इंसान और plants यानी पादप, वो क्या होते हैं directly और indirectly तरीके से किस पर dependent होते हैं, plants पे अपने food के लिए। The nutrients enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. The nutrients enable living organism to build their bodies. जो nutrients होते हैं वो क्या होते हैं living organisms के लिए, उनकी body के लिए, उनको build करने के लिए, grow करने के लिए, repair करने के लिए, उनके damaged parts को repair करने के लिए proper energy provide करते हैं, ताकि वो एक अच्छी life जी सकें, अपनी जो लाइफ प्रोसेस है उसको आगे कैरी कर सकें। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, लीव्स क्या होती हैं फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स के लिए। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोरेड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, जो सोलर एनर्जी होती है वो कैप्चर्ड की जाती है बाय द लीव्स पत्तियों के द्वारा, एंड स्टोरेड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ द फूड, और स्टोरेड होती है कहाँ पे प्लांट में, इन द फॉर्म ऑफ द फूड। थर्ड, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सोलर एनर्जी होती है वो कैप्चर्ड होती है पत्तियों के द्वारा और स्टोर की जाती है प्लांट्स में फूड की फॉर्म में। इसलिए जो सन होता है, जो सूरज होता है, वो क्या होता है अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित प्राणी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो सन है वो क्या करता है एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है सेल्स, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव, जो पत्तियों में जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर क्या होता है क्लोरोफिल कंटेन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, यूज कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके और वाटर का यूज करके वो क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू सनलाइट क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और रिएक्शन के ऊपर सनलाइट क्लोरोफिल इक्वल्स टू कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल क्या करता है पत्तियों में, पत्तियों की जो सेल्स होती है उनमें क्या होता है क्लोरोफिल कंटेन होता है किसकी प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में,
और किसका यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का, टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए। मतलब फोटोसिंथेसिस प्लांट में ऐसी प्रोसेस होती है जो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट और वाटर के प्रेजेंस, कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिसिपेट करता है, वाटर इसके प्रेजेंस में सनलाइट, और क्लोरोफिल का होता है पत्तियों के अंदर सिंथेसिस होता है, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल का संश्लेषण होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स, क्लोरोफिल जो है पत्तियों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को फॉर्म करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, कार्बोहाइड्रेट जो बना वो क्या करेगा, प्लांट में एनर्जी देगा। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है मिलकर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को फॉर्म करता है। ठीक है, प्रोटीन आर एंड्रोजेनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, प्रोटीन जो होते हैं एंड्रोजेनस सब्सटेंस होते हैं विच कंटेन नाइट्रोजन, वो क्या करते हैं नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं। ठीक है, लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सम प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, सच प्लांट्स कैन बी पैरासाइट और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सम प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह ही कुछ पौधे होते हैं जो क्या होते हैं फूड के लिए अदर, जो कि डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट, वो क्या करते हैं अदर जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। सच प्लांट्स कैन बी पैरासाइट और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वो क्या होते हैं परजीवी और परभक्षी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं और इंसेक्टिवोरस भी हो सकते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं जनरली प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, एयर में। फंगल स्पोर्स जनरली प्रेजेंट होते हैं एयर में। When they land on wet and warm things, they germinate and grow. कुछ फंगल स्पोर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं या मतलब कवक जीवाणु होते हैं जो कि जनरली कहाँ पे होते हैं, हवा में होते हैं, लेकिन जब वो लैंड पे यानी धरती पे आते हैं, गीले में आते हैं, एंड द वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट, और जो वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट, जिनको वो जर्मिनेट करते हैं क्या करते हैं ग्रो करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो साथ साथ रहते हैं और साथ साथ क्या करते हैं अपना शेल्टर यानी अपने रहने के लिए अपना आवास और अपने न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस, दिस की इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस, ये जो रिलेशनशिप है इसको कहा जाता है सिम्बोसिस। एग्जाम्पल लाइटनिंग, एग्जाम्पल लाइटनिंग एंड राइजोबियम, इन रूट नोड्यूल्स of
leguminous plants. Some organisms live together and share both shelter and nutrition. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, साथ साथ रहते हैं और शेयर करते हैं अपना शेल्टर, आवास और अपने न्यूट्रिएंट्स. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस. ये रिलेशनशिप क्या कहलाती है, सिम्बोसिस कहलाती है. फॉर एग्जांपल लाइकेन्स एंड राइजोबियम रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट. लाइकेन्स एंड राइजोबियम इन रूट नोड्यूल्स. लाइकेन्स और राइजोबियम क्या करते हैं, लेग्युमिनस जो प्लांट होता है उसकी रूट में रहते हैं, उसके रूट नोड्यूल में रहते हैं और क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं और अपना जो फूड होता है, अपना जो शेल्टर होता है और अपना जो न्यूट्रिशन होता है, लाइक अपना जो फूड होता है उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं. तो इस जो ये जो रिलेशनशिप होती है, इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बोसिस यानी सह बोलता. साथ साथ रह के साथ साथ अपना आवास और अपना भोजन शेयर करना, ठीक है. Some organisms live together and share both shelter and nutrition. This relationship is called symbiosis. और इसका जो एक example है, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये भी पूछा जा सकता है कि lichen और rhizobium, इसके जो एक example है lichen और rhizobium है, तो कई बार जो symbiosis के example भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमको इसके दो example बताने हैं, lichen and rhizobium, जो कि कहाँ रहते हैं, root nodules में रहते हैं. किसकी, लेग्युमिनस की रूट नोड्यूल में रहते हैं, ठीक है. Fertilizers and manures contain nutrients as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. Fertilizers and manures जो होते हैं contain करते हैं nutrients को as a nitrogen की form में, potassium की form में और phosphorus की form में. Fertilizers यानी fertilizers कौन होते हैं, fertilizers वो होते हैं जो हमारी मतलब fertilize करते हैं, like जैसे कई बार क्या होता है फर्टिलाइजर जो होता है वो जो खेतों में खाद होती है, कुछ ऐसे जो पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जो कि अनयूजल होती है, मतलब अनयूजफुल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं यूज में नहीं लेते, यूजलेस टाइप होती है, उनको भी क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे फंगल फंजाई और कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं किसकी फॉर्म में, खाद की फॉर्म में, या फिर लाइक उनको हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स. वो क्या करते हैं, मतलब यूजलेस चीज को भी यूजफुल चीज़ें बदलते हैं, जो कि हम किस में काम आती है, जो कि जो फसल्स होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, उनकी क्या करते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देते हैं, उनको मैंने इस चैप्टर के अभी आपको समरी और स्टोरी पूरी एक्सप्लेन कर दी थी. अब आगे हम इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले डेफिनेशन है ऑटोट्रॉफी. ऑटोट्रॉफी क्या होते हैं, द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एक प्रकार का न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो खुद क्या करता है, प्रिपेयर करता है अपने फूड को बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, प्रिपेयर करता है, ठीक है. उसके बाद में आएगा क्लोरोफिल, द ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव. ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, लीव में प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल. ऑटोट्रॉफिक जो होता है, जो क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है खुद के फूड को किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू. एक प्रकार का क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है वो क्या करता है, विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड. इन विच ऑर्गेनिज्म मतलब उसमें क्या करता है, जीव खुद प्रिपेयर करता है अपने फूड को, अपने फूड को बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू. क्लोरोफिल, द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव.
ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पत्तियों में, जो मैं कह रहा था क्लोरोफिल। उसके बाद आएगा हाइड्रोजन ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर हाइड्रोट्रॉप्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जिनके लिए न्यूट्रिशन मिले, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोट्रॉप। अब हमने ऑटोट्रॉपिक पढ़ लिया, ऑटोट्रॉप पढ़ लिए, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लिया, जो उनमें क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो वहाँ पर प्रेजेंट होता है लीव्स में, हाइड्रोट्रॉप के बारे में पढ़ लिया, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड ऑन अदर फॉर न्यूट्रिशन, जो क्या है, दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स। अब आगे बढ़ेंगे होस्ट क्या होते हैं, Insectivores.
छोटे प्लांट्स खाते हैं और क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्ट यानी जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। और ऐसे ऐसे जो जीव ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। जिसमें क्या होता है, इंसेक्ट अपने फूड के लिए अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड हो गए, वो क्या कर रहे हैं प्लांट्स को खा रहे हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होंगे। जिनको कौन खा रहा है, इंसेक्ट खा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, फूड का इनटेक भी होता है और उसका यूटिलाइजेशन भी होता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, मतलब हम खाना खाते हैं उस खाना खाने को, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड मतलब एक प्रोसेस है ये न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है पहले हम खाना खाते हैं, फिर हमारी बॉडी को उसका जब यूटिलाइजेशन होता है प्रॉपरली तो उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। यानी हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पे हम डिपेंड हो। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं, विटामिन मिनरल कार्बोहाइड्रेट वसा, जो सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल रूप से जरूरी होती हैं, वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में मिलते हैं और प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर उसका यूटिलाइजेशन होता है, तो क्या होता है आगे की जो हमारी प्रोसेस होती है, हमारी ग्रोथ होती है, हमारी लाइफ साइकिल होती है, उसमें हेल्प मिलती है। इसी तरीके से न्यूट्रिशन ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी जो बॉडी है उसको प्रॉपर रूप से पोषण यानी न्यूट्रिशन मिलता है। इसके बाद पैरासाइट, पैरासाइट क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट लिव एंड फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो क्या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, रहते हैं और अपना जो खाना होता है उसके लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। वो क्या होते हैं पैरासाइट यानी परपोषी, जो दूसरों से अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उन पर डिपेंड हो रहा है अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, और क्या कर रहा है दूसरों से फीड ले रहा है, मतलब भोजन ले रहा है। वो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पैरासाइट होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके क्या करते हैं, खुद का जो फूड होता है उसको प्रिपेयर करते हैं कौन, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो, एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मैंने अभी आपको बताई थी स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होकर के आगे आगे चल के कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज जो है अपनी उनका क्या फॉर्म होता है, फूड का एक फॉर्म होता है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो गैस होती है वो हमारी एयर में चली जाती है, तो जो कार्बोहाइड्रेट हुआ, जो ग्लूकोज हुआ, उसकी फॉर्म में उन्होंने फूड को स्टोर किया अपने अंदर, उसी फूड से उन्होंने क्या लिया, न्यूट्रिशन लिया और अपनी आगे की जो लाइफ साइकिल और अपनी जो प्रोसेस है उसको पूरा करते हैं। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो इस तरीके से होती है।
subtropical. By which green plants prepare their on food using carbon dioxide and water. In the presence of sunlight, and chlorophyll. The process by which green plants prepare their own food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. The process जिसके द्वारा जो green plants होते हैं वो prepare करते हैं their own food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. वो process जिसके through green plants prepare करते हैं अपना खुद का food carbon dioxide और water को use करके इसकी प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाती है हमारी फोटोसिंथेसिस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा डेफिनेशन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, क्या प्रोसेस है, कैसे होती है, तो हमें इसको पूरा एक्सप्लेन करके और इसकी एक केमिकल इक्वेशन लिख के इसको पूरा समझाना है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट एंड क्लोरोफिल के बाद यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज
न्यूट्रिशन लेते हैं वो कौन होते हैं सेपरोट्रॉपिक। ठीक है, सेपरोट्रॉप्स को मैंने बता दिया कौन होते हैं। अब आता है सेपरोट्रॉपिक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism take in nutrient from dead and decaying matter the mode of nutrition in which organism take इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड जो सड़े गले और मतलब इस तरह के डिकेइंग मैटर का अपना जो न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हमने सेपरोट्रॉपिक होता है। ये एक प्रकार का वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म होता है अपना न्यूट्रिशन लेता है डेड मतलब मरे हुए जो एक तरीके से डिकेइंग मैटर होते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और वो होता है सेपरोट्रॉपिक। अब इस चैप्टर की मोस्टली जो डेफिनेशन थी ऑटोट्रॉप सेपरोट्रॉप इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन मैंने आपको सारी बता दी है। आप बस ये चैप्टर में एक डेफिनेशन बची है वो है स्टोमेटा। द टीली ओपनिंग on the underside of the liquid that allows the tiny opening on the underside of the leaf that allows exchanging gases. कुछ टिनी छोटी छोटी ओपनिंग होती है अंडरसाइड ऑफ ये लीव के अंडरसाइड में होती है वो क्या करती है गैसेज जो होती है प्लांट में जो ब्रीदिंग होती है वो किसके थ्रू होती है इस स्टोमेटा के थ्रू ही होती है क्योंकि इसमें क्या होता है लीव के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं छोटी छोटी टिनी ओपनिंग होती है अंडर साइड में
वो क्या करती है, दैट अलाउज, वो क्या करती है, गैसों के एक्सचेंज में हेल्प करती है, गैसों का एक्सचेंज जो है अलाउ करती है, तो वो क्या कहलाती है, इसको मिलना कहलाती है। ठीक है, इस चैप्टर की हमारी लैंग्वेज थोड़ी समरी पूरी खत्म होती है, आगे हम